गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने चैनल के लिए एक अच्छा सा बैनर कैसे बना सकते हैं यूट्यूब चैनल के लिए। बहुत लोग के चैनल को मैं विजिट करता हूं, उनका चैनल का बैनर सही नहीं रहता है, तो वो अपने चैनल के लिए कैसे एक अच्छा सा बैनर बना सकते हैं। तो वीडियो को देखो, इन्जॉय करो, बैनर बनाना सीखो। दोस्तों चलो स्क्रीन के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आप बैनर कैसे बना सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए। आप लोग को पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेना एंड 3 डॉट पे क्लिक करना है और इमेज साइज आता है तो इमेज साइज पे आप लोग को जाकर यूट्यूब थंबनेल वाला साइज सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ फोर्थ वाले ऑप्शन पर आना है एंड यहाँ गैलरी पर जाना है आप लोग को और एक फ़ोटो इम्पोर्ट करना है। तो ये फोटो आप लोग को ऐसे इंपोर्ट कर लेना है। ये फोटो कैसे डाउनलोड करोगे आप लोग को मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन पे आना एंड इस पर क्या करना है, कलर फिल कर लेना है। जो ये आपका जो वाइट पार्ट दिख रहा है ये आपका बैनर होगा और जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये आपका बैनर में नहीं आएगा। तो आपका जितना वाइट में जा रहा है उतने में ही आपको ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ऐसे आपको पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो देखो मैंने पूरे स्क्रीन में फिल कर दिया। उसके बाद आप लोग को देखो थर्ड वाले ऑप्शन पे जब रहोगे उस पर क्लिक रह करो कलर वाला आएगा, कलर वाले पे आपको येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है। पूरा प्रॉपर तरीके से कलर फिल कर दिया, कहीं भी वाइट पट्टी नहीं दिख रही है। तो अभी देखो ये कलर एक ही तरह का लग रहा है तो इसे अभी दो कलर करना होगा। तो यहाँ देखिए थर्ड वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ शेप लिखा रहेगा उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल का ये सर्कल ले लेंगे और कुछ ऐसा करके आप लोग को यहाँ से ये बना लेना। उसके बाद आप लोग को ये ऐसा कुछ लगा देना है। तो आप लोग देखो कि अभी दो ये हमारा देखो डिजाइन हो गया। यह देखो किनारे पे आपको पीला दिख रहा है और ये बगल में पीला दिख रहा है। अब वाइट देखो वाइट दिख रहा है, अभी भी थोड़ा अधूरा लग रहा है। तो ऐसे आप लोग को क्या करना है, इससे पतला पतला येलो कलर ऐड कर देता हूँ। दो दो पट्टी इधर पट्टी, दो पट्टी इधर में ऐसे ऐड कर देता हूँ। तो देखो यहाँ दो पट्टी आ गया है। आप लोग चाहो तो देखो नीचे यहाँ कलर आएगा तो यहाँ से कलर आप लोग सेलेक्ट कर देना। देखो कोई भी कलर कर सकते हो, तो मैं येलो रखता हूँ, येलो वाइट का कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो आप लोग ये कलर को सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आप लोग को देखो और दो पट्टी ऐड कर लेना है। देखो इस तरह से मैं कुछ दो पट्टी और ऐड कर लेता हूँ और मैं एक ऐड कर लेता हूँ, तो ये मेरा तीन पट्टी हो गया। तो अब देखो कुछ डिजाइन बन गया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ शेप वाले पे आना है और यहाँ आप लोग को यहाँ देखिए सर्कल वाला लेना है। उसके बाद इसे ओके कर देना है। तो आप लोग को यहाँ देखो सर्कल कुछ ऐसा ऐड कर लेना है। देखो दो सर्कल इधर ऐड कर लेता हूँ और दो सर्कल में उधर ऐड कर लेता हूँ। अब देखो कलर वही कलर वाला ऑप्शन पे जाना है और कलर आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं येलो पे वाइट कर देता हूँ और वाइट पे येलो कर देता हूँ, काफ़ी अच्छा कलर दिखेगा। तो अब आप लोग को क्या करना है, ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रॉम गैलरी में जाना है और अपना एक लोगो, जो चैनल लोगो हो या कोई भी फ़ोटो हो, वो आप लोग को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं फ़ोटो ऐसे कुछ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देखो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो आपका येलो वाला आ रहा है देखो ऊपर सर के साइड में, आपका सर येलो के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये देखो पीछे का साइड में, देखो आप लोग नीचे के साइड में देखोगे तो आपका कपड़ा जितना रखना चाहते हो उतना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी आप लोग को मेरा फ़ोटो दिख रहा है छोटा, लेकिन बहुत अच्छा बनेगा ये। तो आप लोग को कुछ इस तरह से फ़ोटो ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप लोग को टेक्स्ट ऐड करना है। देखो यहाँ टेक्स्ट वाले पे आप लोग को क्लिक करना है, या तो आप लोग यहाँ से ऊपर से भी टेक्स्ट वाला क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग को टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है और अपने चैनल का नाम लिख देना है। तो मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो देखो मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है विलेज बॉय। अब विलेज बॉय लिख दिया, उसके बाद यहाँ देखो बहुत सारा कलर आता है। आप लोग चाहो तो रेड कर सकते हो, लेकिन मैं अभी वाइट करता हूँ, काफ़ी अच्छा वाइट दिख रहा। देखो मेरा येलो पे वाइट काफ़ी ज़्यादा खुल रहा है। उसके बाद आप लोग को यहाँ देखो ए बी फॉन्ट आएगा, तो यहाँ आपको ए बी फॉन्ट में जाकर अपना कोई फॉन्ट ऐड कर लेना है। मैं यहाँ से अपना ये वाला फॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। देखो काफ़ी अच्छा इस फॉन्ट में दिख रहा है। उसके बाद विलेज बॉय, उसके बाद मैं यहाँ से बबलू कर देता हूँ। तो देखो मैंने विलेज बॉय बबलू कर दिया है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, आप देखो खाली खाली दिख रहा है विलेज बॉय बबलू। आप लोग को कुछ सोशल मीडिया का साइट यहां पर ऐड करना है, लोगो ऐड करना है। तो लोगो में कैसे बताता हूं ऐड करेंगे, यहां प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे और जो जो आपका लोगो रखे हो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, वो आप लोग को ऐड कर लेना है। यहाँ से देखो बहुत सारा मैं लोगो बना के रखा हूँ, तो यहाँ से मुझे ऐड कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर YouTube ऐड किया और कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ, YouTube ऐड कर दे रहा हूँ। उसके बाद और देखो मैं यहाँ
फॉलो मी लिख दे रहा हूँ। इस टेक्स्ट को कॉपी करना है आप लोग को, ऐसे जाना है और यहाँ जो आपका टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेना है। एंड आप लोग कॉपी जो करे हो, देखो ये वाला कॉपी किए हो ना, उसके बाद आप लोग को ए बी फॉन्ट में जाना है। देखो यहाँ आप लोग को ए बी फॉन्ट में जाना है और आप लोग को क्या करना है, कोई भी एक फॉन्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से देखो दोस्तों ये वाला फॉन्ट अभी सेलेक्ट करने वाला हूँ। देखो ये वाला फॉन्ट मैं अभी सेलेक्ट कर लिया हूँ। आप लोग को कलर पे जाना है, देखो यहाँ कलर दिखेगा तो कलर पे जाना है। और आप लोग को कोई भी देखो जैसे रेड कलर में चूज़ कर लेता हूँ। और आप लोग को स्ट्रोक नहीं देना है, स्ट्रोक काफ़ी बेकार रखता है। देखो काफ़ी अच्छा ऐसे आप लोग ये कलर ग्रेडिंग कर सकते हो टेक्स्ट का। अब देखो ये हमारा हो गया है विलेज बॉय बबलू और फॉलो मी। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक का लोगो लगा देता हूँ। तो लोगो के लिए आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और वैसे फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से आप लोग को क्या करना है, जो कि लोगो है वो आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये लोगो है, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको छोटा करना है ऐसे, तो छोटा करना है और यहाँ पर लगाना है छोटा करके। तो इसका साइज मैं कर देता हूँ 7, लगभग 7 ही करना है। आप लोग को थर्ड वाले ऑप्शन में जाना है, रीसाइज जाना है और यहाँ पर मैं 7 कर दे रहा हूँ। देखो 7 कर दे रहा हूँ, 6 कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ देखो ऐसे जाना है और पोजीशन में जाकर इसका साइज कहीं भी कर लेना है। यहाँ देखो आप लोग को दिखेगा यहाँ पोजीशन, इस पर जाकर आप लोग को कर लेना। इसी तरह से मैं फेसबुक का भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने देखो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लोगो ऐड कर दिया है। और आप लोग चाहो तो कुछ भी और यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। आप देखो ये पूरा फुल डेस्कटॉप और अपने मोबाइल में दोनों अच्छे से दिखेगा। उसके बाद आप लोग को 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ देखो एक्सपोर्ट इमेज आता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ देखो क्वालिटी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अल्ट्रा में सेव कर लेना है। यहाँ से सेव करोगे तो आपके गैलरी में चला जाएगा। ये मेरे गैलरी में सेव हो चुका है। अब आपको इस बैनर को लगाते कैसे हैं, इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लेना। वैसे ही शॉर्ट वीडियो पे मैं बताया हूँ कि कैसे ये बैनर लगाएंगे, तो आप लोग देख लेना और कमेंट अच्छा अच्छा कर देना। तो गाइस आप लोग को इसी तरह से बैनर बनाना। एंड अब आप लोग को बताता हूँ फ़ोटो कैसे आप लोग डाउनलोड करोगे जिस चीज़ का, पिक्सल का। तो आप लोग को जाना है गूगल पे, गूगल पे सर्च करना है यूट्यूब चैनल बैनर साइज, आप लोग को बहुत सारा फ़ोटो दिखाई देगा। एंड आप लोग को क्या करना, उस फोटो में से कोई भी एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेना है। देर तक उस पर टाइप करेंगे, उसके बाद आपका वो फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में।